हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो। और बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है जो रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। ठीक, इस अध्याय में बच्चों 3 अंक का एक प्रश्न आता है, 0 है यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे विकल्प एक भी नहीं आते, एक ही प्रश्न आएगा 3 नंबर का। और बच्चों, चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एवं एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, आणविक को मॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये बच्चों कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रासायनिक आबंधन की परिभाषा से। तो बच्चों, इसके नाम से समझ में आ रहा है, रासायनिक आबंधन का मतलब होता है बंध। तो रासायनिक बंध, रासायनिक बंध की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो रासायनिक बंध बच्चों बनता कैसे है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, तो उनके बीच में जो परमाणु है वो कैसे जुड़े होते हैं, कौन सा बंध होता है, तो बच्चों उन्हीं बंधों के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे इस अध्याय में। ठीक, तो क्योंकि बच्चों जो भी अणु होता है उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा बंध होता है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए जल का अणु है, जल का सूत्र H2O होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो बच्चों, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऐसे कौन से बंध से जुड़े रहते हैं जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन से जुड़े रहते हैं और जल का अणु बना लेते हैं। ठीक, क्योंकि परमाणु के बीच में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर बंध होता है। ठीक, तो अणुओं में जो है बंध पाया जाता है। तो इस बंध को आगे बढ़ेंगे हम, इसको बच्चों के बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो बंध मुख्य रूप से बच्चों ये जो है डिटेल में कम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि बंध बच्चों यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक, और दूसरा होता है आयनिक बंध, और तीसरा है बच्चों उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। बच्चों इन 3 बंधों को हम पढ़ेंगे। अब बच्चों रासायनिक आबंधन होने से, अब बच्चों रासायनिक आबंधन ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, परमाणुओं के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बंध होता है जिसको हम रासायनिक बंध कहते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ रहते हैं। लेकिन बच्चों ये बंध बनता क्यों है, ऐसा क्या रहता है, तो इनको समझने से पहले बच्चों हमको तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह आना चाहिए। तो बच्चों जितने भी चार कोई तत्व हो या कोई परमाणु हो, इस रासायनिक बंध में हमेशा बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनिक भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें, तो सोडियम के अंतिम कोष में आप देखेंगे, तो इसके अंतिम कोष में जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए लास्ट के कोष में इसके कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ये जो सोडियम है या कोई भी परमाणु है बच्चों, वो उत्कृष्ट गैसों के समान अपना विन्यास प्राप्त करना चाहता है, नोबल गैसों के समान। उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, ये सभी एक ही चीज के नाम है। आवर सारणी में समूह 18 है, उस समूह को हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस से बोलते हैं। 18 समूह के नाम जानते हैं, शून्य समूह के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हर वो जो समूह है सबसे स्थायी समूह है, क्योंकि उनके जो कोष है बच्चों पूर्ण रूप से भरे होते हैं, उनके अंतिम कोष में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों स्थायित्व हो जाता है। इसका भी हम नियम पढ़ेंगे, इसमें अभी समझेंगे इस नियम को भी। तो होता क्या बच्चों, इन नोबल गैसों के समान यानी अक्रिय गैसों के समान या शून्य समूह के तत्वों के समान अपना विन्यास करने के लिए सभी तत्व चाहते हैं या तो इलेक्ट्रॉन का वो दान करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, और इस प्रकार से वो शून्य समूह के तत्व या विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये जो विन्यास है तो स्थायी विन्यास है, इसमें तत्व जो है स्थायी हो जाता है। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं सोडियम में कि इसके अंतिम कोष में तो बच्चों अंतिम कोष में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दान करके अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। बच्चों एक दिन से कोष खत्म हो जाएगा, देखिए अंतिम कोष कौन सा बचेगा, दूसरा, और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर बच्चों कोष के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें, देखिए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे कोष में कितने हैं, 8, लास्ट कोष में कितने हैं, 1। तो देख रहे हैं आप विन्यास, इसका 2 8 1 आ रहा है विन्यास। अगर इसी तरह से बच्चों क्लोरीन का देखें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, उसी प्रकार विन्यास अगर हम लिखें तो इसका विन्यास आएगा 2 8 7, 2 और 8 10 और 7 17। तो देख रहे हैं इसमें बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या साझेदारी कर ले, तो इसको बच्चों 7 देने में तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। और सोडियम बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो इसका भी विन्यास स्थायी हो जाएगा। तो बात आपने देखा होगा बच्चों कि NaCl पाया जाता है,
एनएसीएल कैसे बना? इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसकी वजह से दोनों के अंतिम कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से दोनों का विन्यास क्या हो जाता है? इसका बस 2-8 बचता है और इसका 2-8-8 हो जाता है। देखिए, इसका 2-8-7 था तो 2-8-8 हो जाता, सोडियम में कितना हो जाता है? 2-8। दोनों के अंतिम कोश में क्या हुआ? 8-8 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो इस प्रकार से बच्चे जो है आपस में इनके बंधन बन जाते हैं। ठीक, तो ये जो है इस प्रकार से जो पूरा रासायनिक आबंधन आपका चैप्टर है, ऐसा इनके बीच में रासायनिक बंध क्यों बनते हैं, तो बच्चों हमने आपको बताया कि रासायनिक आबंधन में जो है संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजी कोश किसे कहते हैं? तो संयोजी कोश ही बचता है बच्चों। संयोजी कोश में आपको समझना आना चाहिए, इसकी परिभाषा हम आपको समझाते हैं। किसी भी तत्व के या परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर कोई बच्चों कोश की बात करें तो संयोजी कोश किसे कहते हैं? तो अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसमें जो जिस कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसको हम संयोजी कोश कहते हैं। जैसे सोडियम का एग्जांपल में अभी आपने देखा बच्चों कि इसका जो विन्यास है 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1 है। ठीक, तो इसका जो अंतिम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है लास्ट के कोश में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके एक। ठीक, अगर बच्चे कोई कहेगा संयोजी कोश होगी, संयोजी कोश कौन सा है इसमें? संयोजी कोश कौन सा है बच्चों इसमें? संयोजी कोश किसे कहते हैं? तो जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है बाहरी कोश को, सबसे बाहरी कोश को क्या कहते हैं? संयोजी कोश कहते हैं। और यहाँ पर अपना कौन सा है? तीसरा कोश जो है वो संयोजी कोश है। तो इस प्रकार से बच्चों की आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि सबसे बाहरी कोश को ही क्या कहते हैं? संयोजी कोश कहते हैं, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों बंध बनाने में भाग लेते हैं, इन्हीं का आदान प्रदान होता है, साझेदारी होती है। ठीक, इस प्रकार से जो है रासायनिक बंध बनते हैं। तो एक बच्चों हमने इसमें क्या क्या सीखा? हमने इसमें आपको जो है एक तो रासायनिक बंध की परिभाषा बताई, रासायनिक बंध किसके बीच में बनता है? परमाणुओं के बीच में बनता है। परमाणु आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं? आपका अणु बना लेते हैं, और इस प्रकार से जो है रासायनिक बंध बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं रासायनिक बंध वो चीज है जो परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है, जिससे अणु का निर्माण होता है। ठीक, अणु का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल भी उसी को बोलते हैं। इसके बाद जो हमने पढ़ा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा भी समझ चुके हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी तत्व या परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमने क्या सीखा कि जिस भी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उस कोश को क्या कहते हैं? संयोजी कोश कहते हैं। ठीक, और साथ में हमने थोड़ी सी बात इसकी अष्टक की बात भी की, अष्टक कहें इसको या अष्टक नियम। ठीक बच्चों, हमने जो है अष्टक नियम पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, अध्याय 3 में अष्टक नियम, वहां पर उसको ऑक्टेव बोलते थे, ऑक्टेव, और यहाँ पे इसको बोलेंगे ऑक्टेट। हमने उस टाइम पे भी आपको बताया था। ठीक, इसका यहाँ पे नाम क्या है? ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। यहाँ अष्टक नियम से संबंध है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। हर परमाणु हर तत्व चाहता है उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और उसका जो विन्यास है वह अक्रिय गैसों जैसा हो जाए, क्योंकि वो जो विन्यास है वो स्थायी विन्यास है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो नियम है अष्टक नियम के आधार पर हम ये बता सकते हैं। तो अष्टक नियम में आपको समझ में आ गया होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अष्टक नियम के अनुसार हर तत्व हर परमाणु चाहता है तो उसमें अंतिम कोश में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके अलावा बच्चों अब इस अध्याय में इसी चीज में आप इस अध्याय को और शुरू करने से पहले कुछ चीजों के बारे में और आपको पता होना चाहिए कि लुईस संकेत क्या होते हैं। क्या होते हैं? लुईस संकेत, लुईस संकेत। ये बच्चों आपने पिछली क्लासों में 10वीं क्लास में भी पढ़ा है लुईस संकेत। लुईस संकेत किसे कहते हैं? तो बच्चों जीएन लुईस, ये साइंटिस्ट का नाम है, जीएन लुईस थे वो एक साइंटिस्ट जिन्होंने तत्वों के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संकेत के रूप में तत्वों के चारों तरफ दर्शा के बताया था। ठीक, जैसे मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के चारों तरफ संकेत के रूप में बिंदुओं के रूप में या स्टार के रूप में दर्शाया था, जिसे हम लुईस संकेत कहते हैं। और लुईस संकेतों के द्वारा जो आणविक संरचना बनती है उसे हम लुईस संरचना बोलते हैं। तो लुईस संकेत की भी परिभाषा आ सकती है कि लुईस संकेत किसे कहते हैं? तो तत्वों के
संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए इन्होंने एक नियम दिया था या संकेत दिए थे जिसे हम लुई संकेत कहते हैं। तत्व के चारों ओर इन्हें बिंदी या बिंदु बोल सकते हैं, बिंदु या स्टार की सहायता से इनको दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसके अंतिम कोष का अगर विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p2 हो जाता है। अंतिम कोष मतलब बच्चों दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन का कार्बन का संकेत। और संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उन्होंने बिंदु के रूप में इस प्रकार से उन्होंने दर्शा के बता दिए थे। बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने एक एक निकाल कर रख दिए। अब जैसे बंध बनाए उस आधार पर हम उनको एक साथ भी रख सकते हैं, इसको हमेशा भी दर्शा सकते हैं। अगर ये डबल बंध बनाया किसी के साथ तो इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं इसको दो दो करके, है ना। अगर किसी से ट्रिपल बंध बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ बना देंगे और एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी यहाँ रख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से तो टोटल जो इनकी संयोजकता है वो कितनी होती है, 4 होती है इस कार्बन की। इसी प्रकार से किसी का भी बता सकते हैं। और बच्चों हम अगर लुई संकेतों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन का जो लुई संकेत है, नाइट्रोजन का लुई संकेत कितना आएगा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, कितना होता है 7, 1s2 2s2 2p3। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का जो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास जो लुई संकेत बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है तो बस 5 ही बताना है, इसके अलावा ज्यादा नहीं बताना, बस ये 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो बच्चों हमने 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बना दिए और ये हो गया इसका लुई संकेत। अब बच्चों अगर लुई संरचना बनाना हो, लुई संरचना में क्या हुआ, तो तत्व लुई संकेतों के द्वारा बनी हुई संरचना को लुई संरचना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन इस रूप में नहीं रहता, नाइट्रोजन N2 अणु के रूप में रहता है, तो इसका लुई संरचना कैसे बनेगी। अब आपको पता है कि अंतिम कोष के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बच्चों दो नाइट्रोजन के परमाणु इस प्रकार से लेंगे और दोनों जने ऐसे जुड़ेंगे बच्चों कि इनके दोनों के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो किस प्रकार जुड़ेंगे बच्चों, ये जुड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने देगा और 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों ये अपने देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन देगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन देगा, बाकी ये दो दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो इनके पास में रहेंगे, ठीक। अब बच्चों हम इसको जब करेंगे तो इस प्रकार से गोल घेरा कर देंगे कि इनके अंतिम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बच्चों इन तीनों इलेक्ट्रॉनों का उपयोग नाइट्रोजन में करेगा और इन तीनों इसके 3 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग ये नाइट्रोजन में करेगा। तो दोनों के गोल घेरे में देखेंगे आप कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए इस गोल घेरे में अगर देखेंगे तो 2 और 6 8, ऐसे इसके 2 और 6 8, देख रहे हैं आप कि सभी ने इन्होंने जो साझेदारी करके 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है पूरे कर लिए हैं और इस प्रकार से एक डबल विन्यास है और N2 का अणु बना लेते हैं। इसी प्रकार हर अणु में बच्चों आप बना सकते हैं, O2 का बना सकते हैं, SO2 का बना सकते हैं, ठीक, हाइड्रोजन H2 का बना सकते हैं, फ्लोरीन F2 का बना सकते हैं, ना। तो इस प्रकार के सभी के आप संकेत बना सकते हैं, NH3 का बना सकते हैं, NH3 अमोनिया का, तो किसी का भी हम इस प्रकार से लुई संकेत से लुई संरचना बना सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा इस प्रकार का जो वीडियो है, आप इस सभी इनके नोट्स आपको जो है ब्लॉग पर मिल जाएंगे। आज हमने इतना इसमें पढ़ा, इन सभी परिभाषाओं को पढ़ा। इसके बाद बच्चों हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हुए इनके जो रासायनिक पद के प्रकार उनके बारे में डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।